वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत लालगंज से है, जहां जल प्रलय के कारण ऊंचे स्थान पर शरण लिए वार्ड नंबर 3 में एक वृद्ध की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि वार्ड नंबर 1 में पानी भर जाने के कारण सभी लोग वार्ड नंबर 3 में उचित स्थान पर शरण लिए हैं और इस दौरान कई दिनों से खाना नहीं मिला, जिसके कारण वृद्ध की मौत हो गई। जबकि प्रशासन की ओर से वृद्ध की भूख से मरने की घटना को सिरे से खारिज कर दिया गया। सदर SDO अरुण कुमार ने बताया कि बुजुर्ग बीमार चल रहा था और भूख से मरने की बात बिल्कुल गलत है और मनगढ़ंत है। मृत्यु हुआ, ये बात अपने सत्का मोहम्मद हामिद मियाँ जी, आप साई टोला के निवासी हैं वार्ड नंबर 1 के, और लगभग 70-75 साल की वृद्ध थे और पिछले 3-4 महीना से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। और ये जो जल जमा हुआ उसके बाद में वहाँ से लोग चले गए वार्ड नंबर 3, जो शाही जी का गोदाम हुआ है, गोदाम तर तिरपाल उरपाल तान करके लोग रह रहे थे और वहीं पे मृत्यु हुई है बीमारी के कारण। लेकिन उनके परिजन को कोई लोग भ्रमित कर करके उल्टा पुल्टा सिखा दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को रखा गया कि क्या भाई तब भूख से मृत्यु हुई है। हमको आ रहा है कि वार्ड नंबर 1 में कोई वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई है, जो कि वार्ड नंबर 3 में अभी वर्तमान में महाजीत चौक के पास रहते हैं। लेकिन भूख से मौत होना ये अच्छी हमको नहीं लगता है कि हो सकता है, चूँकि जहाँ वो रह रहे हैं उसके बगल में आश्रय स्थल के निकट नगर पंचायत कार्यालय के निकट सामुदायिक किचन चल रहा है, वो जहाँ रह रहे हैं उनके जस्ट पीछे बरबन्ना में वार्ड नंबर 3 का सामुदायिक किचन चल रहा है, तो फिर भूख से मौत तो नहीं हो सकती। फिर क्यों इतना बड़ा आरोप, क्यों क्या लग रहा है? कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो प्रशासन को बदनाम करने का, या व्यक्ति विशेष को किसी को बदनाम करने का कोई राजनीतिक षड्यंत्र। सुबह एक मैसेज आया था, वो लालगंज नगर एरिया में वार्ड नंबर 3 में रहने वाला आदमी था वो, लेकिन विगत 10-15 दिन से जो पानी का जल जमाव स्थिति है, तो वार्ड नंबर 3 में वो रह रहा था अपने पूरे फैमिली और भी बिरादरी के साथ, जो फकीर जाति के थे। और ऐसा पता चला है कि पानी आने के पहले भी ये घूम घूम कर मतलब मांग कर खाते थे, और उनका लड़का वगैरह जो बुरी आते थे जो उनको अपने पास नहीं रखते, ये पहले से बीमार थे, इनका कुछ दमामा का भी था शिकायत। और अभी वार्ड नंबर 3 में जो भी शिफ्ट हुए थे वहाँ ऑलरेडी 2 सामुदायिक किचन चल रहा है, वार्ड नंबर 1 में भी चल रहा है, लगभग प्रत्येक वार्ड में जो है सामुदायिक किचन चल रहा है, और जितने भी आदमी हैं सभी को घर में जो खाना मिलता है। इस तरह का न्यूज़ जो है कि खाने का भाव, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, गलत है। गुजरे पीता था। अच्छा, तो खाना पीना आप लोग शुरू से क्या नहीं देख रहे थे? शुरू से कि मैं पूरा परिवार एक जमा रहने के शिक्षा नहीं था, ना तिरपाल है, नहीं बर्तन बासन है, रहने के बिस्तर है, नहीं कोई सुतने का जगह है, तो सब एक जमा ना था। हम सब जहाँ जहाँ चल गए, माए पापा भैया सब यहाँ रह गए, तो बाकी भूख पिया से पानी में हेल के बूढ़ा आदमी नहीं जाना पाया, अब दाहर से दहा गए। तो आप लोग ला के क्यों नहीं दे रहे थे? तो हम अब हुआ से मुजफ्फरपुर जिला हम चल गए, तो हुआ से नहीं, जो लोग साथ में रह रहे हैं उन लोगों का तो खाना चल रहा था ना, थोड़ा मोड़ा लाया, बच्चा उच्चा के दिया, पूरा एक टाइम खाया एक टाइम नहीं खाया, ऊपर आदमी दे पूरा झूल लिखा हो गया, पेट सट गया, बस उनको डेथ हो गई। लेकिन लोग तो कह रहा है कि वो बीमार थे, बहुत उम्र दराज थे। बीमार नहीं थे, सब झूठ बात है, बीमारी कहियो इलाज पानी नहीं हुआ, उस बीमारी नहीं था उसके पास, भूख प्यास से मर गया, दहाड़ से रहने के ठीक ना बैठने के ठीक। तिरपाल वगैरह कहाँ से मिला? सात तिरपाल हम अपने से खरीदे हैं, तो एक एक तिरपाल तो गा रहे हैं, वो फट फट गया। अरे यहाँ चाहे यहाँ के नेता जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत आरोप है, सबको खाना मिल रहा था, किचन चल रहा है, झूठ बोला है। तो आखिर आप लोग का खाना कैसे चल रहा है? हमको तो मांग के लाते हैं खाते हैं। तो उनको क्या नहीं खिला रहे थे उसमें से? तो उनको क्या नहीं खिला रहे थे? इस आपदा में तो इसी तरह जीवन गुजर रहे हैं। इतना इतना सबको देते हैं तो अपना क्या परिवार है, तो सबको ना इतना इतना बांट के खाएंगे, सबको बांट के खा रहे हैं, छिपा लोटा सब दो। तो लोग कह रहा है कि जो बहुत उम्र वाले थे बीमार थे इसलिए मर गए? ना बीमार नहीं थे, पूछिए इनको से, बीमार नहीं थे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैथुन खा। कौन थे आपके? वो पति रहा।